कांग्रेस में मची अंतर्कलह और बीजेपी के 5 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के कांग्रेस मंत्रियों के दावों पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये दो भी नहीं आए हैं। कांग्रेस बता दें कि जब इन्होंने सदस्यता ली हो, रसीद बता दें। मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस के तमाम नेताओं को। देखिए इस रिपोर्ट में। मौजूदा हालातों में कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत है अपनों की बयानबाजी। जी हाँ, एक और कमलनाथ सरकार अपनों की अंतर्कलह से जूझ रही है। आए दिन कोई मंत्री, विधायक एवं नेता अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा एवं इमरती देवी दावा कर रही हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में 4-5 बीजेपी विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। वहीं इन बयानों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को चुनौती दी है कि विधायक नारायण त्रिपाठी और विधायक शरद कोल ने यदि कांग्रेस की सदस्यता ली हो तो रसीद बता दें। ये दो भी नहीं आए, वो बता दें, वो रसीद बता दें कि जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली हो। यदि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है तो मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं के लिए भी, जो बार बार कह रहे हैं दो आए दो आए दो आए। ये बीजेपी ने कब छोड़ी उन्होंने, कब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, उनका त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो विधिवत होता है क्या आज तक दिया गया है? नंबर एक, क्या उन्होंने विधिवत कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? यदि ज्वाइन कर ली है तो उनकी सदस्यता का नंबर और वो रसीद यदि कांग्रेस के लोग दिखाते हैं तो मैं मानूंगा। अब कौन से दो आए ये मैं मान के चलता हूँ। ये बेकार की बकवास करते हैं, दो आए चार आए कुछ भी है। अब एक छोटी मोटी चींटी मान ली और वो भी मरी नहीं। वहीं बीजेपी ने मौजूदा हालातों पर सरकार बनाने को लेकर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि कोई भी गठबंधन सरकार जो सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनती है, स्वार्थों के आधार पर बनती है, उसका यही हश्र होता है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, हमारे सभी लोग कह रहे हैं कि यह कमलनाथ जी की जो कांग्रेस सरकार बनी है, यह सरकार बहुत ज्यादा दीर्घ जीवित नहीं होगी, क्योंकि यह सभी लोग जो स्वार्थों के कारण जुड़े हैं। देखने में सामने आ रहा है कि किस प्रकार से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद सरकार गिरा देंगे। कोई भी गठबंधन है सरकार जो सिद्धांतों कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनती है, स्वार्थों के आधार पर बनती है, उसका यही हश्र होता है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, हमारे सभी लोग कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी की जो कांग्रेस सरकार बनी है, ये सरकार बहुत ज़्यादा दीर्घजीवी नहीं होगी, क्योंकि ये सभी लोग जो स्वार्थों के कारण से जुड़े हुए हैं आपस में, और ये किसी भी दिन छिन्न भिन्न हो सकती है। वह सरकार कैसी चल रही है, इसके सहयोगी दल रोजाना आए दिन, सभी सहयोगी दल जो छोटे मोटे दल हैं या निर्दलीय लोग हैं, वो इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, मंत्रियों के बारे में क्या कह रहे हैं और घोर निराशा व्यक्त कर रहे हैं। और इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि ये स्थिति नहीं बनना चाहिए। सरकार की अस्थिरता पूरे प्रदेश को प्रभावित करती है, जिला प्रशासन को भी और राज्य शासन को भी प्रभावित करती है। नहीं, अभी हमारी कोई रणनीति, हमारा शुरू से कहना है कि ये सरकार जो है ये सिद्धांतहीन गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, और ये अपने बूथ से ही गिर जाएगी। और वो आपको देखने में धीरे धीरे सामने आ रहा है कि किस प्रकार की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके अंदर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपस में खुद कर लेंगे सब। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दावा है कि यह सरकार सिद्धांतहीन गठबंधन की सरकार है, यह अपने बूथ से ही गिर जाएगी। बहरहाल कांग्रेस के अंतर्कलह पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।